नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जनदीप धनखड़ का तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री कर मजाक उड़ाया है। सभापति धनखड़ ने इस मामले में सदन पर आपत्ति भी जताई थी। वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को फोन कर इस मुद्दे पर बात की है। पीएम मोदी ने धनखड़ से कहा कि आपको जो आज सुनना पड़ रहा है, मैं वह पिछले 20 सालों से सुन रहा हूं, मगर ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्यसभा सभापति धनखड़ ने ट्वीट कर बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें फोन किया। उन्होंने कहा कि जो आज आपको सुनना पड़ रहा है, मैं पिछले 20 सालों से ये सब सुन रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से सदन के अंदर देश के उपराष्ट्रपति होते हुए आपको यह सुनना पड़ा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से सदन के बाहर राज्यसभा के सभापति का मजाक उड़ाया गया है, वह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। टीएमसी सांसद की इस हरकत को लेकर उनकी हर तरफ आलोचना की जा रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाश टेलीफोन आया था। उन्हें कल पवित्र संसद परिसर में कुछ माननीय सांसदों के जरिए उड़ाए गए मजाक पर बहुत ही दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मुझे बताया कि वे पिछले 20 वर्षों से इस तरह का अपमान सहते आ रहे हैं, मगर ये भी फैक्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के साथ, और वह भी संसद में, ऐसा हो सकता है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ट्वीट में आगे कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से कहा है कि कुछ लोगों की इस तरह की हरकत मुझे मेरे दायित्वों को निभाने और हमारे संविधान में बताए गए सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए से रोकने वाली नहीं है। मैं तहे दिल से उन मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। कोई भी अपमान मुझे अपना रास्ता बदलने पर मजबूर नहीं कर सकता है। अगली खबर, कांग्रेस ने 13 दिसंबर की संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने को लेकर बुधवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि एक सप्ताह के बाद भी भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा, जिन्होंने लोकसभा में 2 घुसपैठियों के प्रवेश में सुविधा प्रदान की थी, को अब तक नहीं हटाया गया है और ना ही उनसे पूछताछ की गई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा में बेहद गंभीर सुरक्षा की चूक का ठीक एक सप्ताह हो चुका है। उस खतरनाक घटना ने पूरे देश को चौंका दिया था। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष का कहना है कि मामले की जांच शुरू हो गई है, ठीक है। उन्होंने कहा, लेकिन ऐसा क्यों है कि 7 दिनों के बाद भी भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा, जिन्होंने लोकसभा में 2 आरोपियों को प्रवेश दिलाने में मदद की, उनसे अभी तक कोई पूछताछ नहीं की गई है। ये बहुत ही विचित्र स्थिति है, क्योंकि आरोपियों पर आतंकवाद विरोधी कानून UPA के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस बीच 13 दिसंबर की घटना पर संसद में गृह मंत्री के बयान की सीधी, सरल और पूरी तरह से वैध मांग करने पर इंडिया गठबंधन के 142 सांसदों को निलंबित भी कर दिया गया है। मंगलवार को 49 सांसदों को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। इससे पहले भी सोमवार को 33 लोकसभा सांसदों, 45 राज्यसभा सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। वहीं 14 दिसंबर को भी 13 लोकसभा सांसदों का 1 राज्यसभा सांसद को निलंबित कर दिया गया था। विपक्षी 13 दिसंबर को संसद उल्लंघन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को और 18 तथा 14 दिसंबर को निलंबित सांसदों के निलंबन रद्द करने की मांग कर रहा है। अगली खबर, भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि नवगठित विपक्षी गठबंधन इंडिया के सभी नेताओं की महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की है। मनोज तिवारी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि इंडिया गठबंधन में हर कोई अगले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है। उन्होंने कहा कि सभी अत्यधिक महत्वाकांक्षी और स्वार्थी हैं, इसलिए इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए एकजुट रहने का कोई मौका ही नहीं है। भाजपा नेता ने कटाक्ष करते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को उनके लिए अलग अलग लगाए गए अलग अलग होर्डिंग्स में देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश को गरीबों की चिंता नहीं है। तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा गरीब के बारे में सोचा और उनकी चिंता की है। वहीं कांग्रेस के नेता धीरज साहू अपने घर से 500 करोड़ रुपए की भारी रकम की बरामदगी को लेकर खबरों में है। उन्होंने आगे कहा कि ये बताता है कि कैसे विपक्षी नेताओं ने जनता का पैसा लूटा और भ्रष्टाचार में लिप्त है। अगली खबर, संसद में विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने संसद भवन परिसर स्थित गांधी मूर्ति पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी करी है। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और दोनों सदनों से निलंबित किए गए सांसदों के साथ साथ सभी दलों के नेता भी शामिल हुए। लोकतंत्र बचाओ के पोस्टर के बैनर के साथ गांधी मूर्ति पर एकत्रित हुए विपक्षी नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। गांधी मूर्ति पर विरोध प्रदर्शन करते और नारेबाजी के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने विपक्षी सांसदों के साथ साथ नए संसद भवन तक पैदल मार्च भी किया है। आपको बता दें कि संसद में लगातार जारी हंगामे पर कड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार को लोकसभा ने 39 और सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया गया था। सोमवार को भी राज्यसभा के 45 और लोकसभा के 33 सांसदों सहित कुल 78 सांसदों को निलंबन किया गया था। इससे पहले देश में पिछले सप्ताह लोकसभा के 13 और राज्य
लोकसभा का एक सांसद को निलंबित किया गया था। दोनों सदनों में अब तक कुल मिलाकर 141 सांसद निलंबन हो चुके हैं। अगली खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों के 141 सांसदों को निलंबन को लेकर बुधवार को सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भारतीय जनता पार्टी देश में एक ही दल का शासन स्थापित करना चाहते हैं। खड़गे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट किया, 141 सांसदों का निलंबन कर दिया, लेकिन क्योंकि वे गंभीर सुरक्षा उल्लंघन के मुद्दे पर गृह मंत्री से बयान चाहते थे। 6 आरोपियों पर आतंकवादी विरोधी यूपीए कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने सवाल किया कि आरोपियों के प्रवेश में मदद करने वाले भाजपा सांसद प्रताप सिंह में अब तक पूछताछ क्यों नहीं कही गई? यह कैसी जांच है? संसदीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारियों को जवाबदेह में क्यों नहीं बनाया गया? खड़गे ने यह भी पूछा कि जाहिर तौर पर घुसपैठिए महीनों से ही इसकी योजना बना रहे थे, तो फिर इस बड़ी खुफिया विफलता के लिए कौन जिम्मेदार है? संसद की बहुस्तरीय सुरक्षा के बावजूद दो लोग अपने जूते में पीले रंग का धुआं वाली गैस के केन को छिपाकर सदन में प्रवेश करने में कैसे कामयाब हुए? उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी देश में एक पार्टी का शासन स्थापित करना चाहती है। खड़गे ने कहा, वे एक अकेला की बात करते हैं जो लोकतंत्र को ध्वस्त करने जैसा है। विपक्षी सांसदों के निलंबन करके उन्होंने ठीक नहीं किया है। उन्होंने कहा कि इस शर्मनाक सुरक्षा की चूक के लिए उच्च पद पर बैठे लोगों को दंडित करने के बजाय सांसदों को लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिया गया है और इस तरह वे जवाबदेही से बच गए हैं। सदन में तख्तियां लहराने और नारे लगाने के आरोप में पिछले कुछ दिनों के भीतर 141 सांसदों का निलंबन हो चुका है। अगली खबर, तृणमूल कांग्रेस के सांसद द्वारा राज्यसभा के सभापति जनदीप धनखड़ की नकल किए जाने के मामले की सियासत गरमाती जा रही है। धनखड़ के इस घटना की निंदा की तो टीएमसी नेता महुआ मित्रा ने उन पर ही निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के सभापति को जाहिर तौर पर यह अस्वीकार होगा कि कोई उनके पद का मजाक उड़ाए। तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मित्रा ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि राज्यसभा के सभापति नाराज हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी ने उनके पद का मजाक उड़ाया है, किसी ने उनके पद की नकल उतारी है। यह वास्तव में अस्वीकार्य है क्योंकि वह सोचते हैं कि एकमात्र शख्स हैं जो अपने पद का मजाक उड़ा सकते हैं। मोहित्रा ने आगे कहा कि वे हर समय ऐसा करते हैं। गौरतलब है कि 19 दिसंबर को विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन के दौरान तृणमूल कांग्रेस के निलंबित सांसद कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारते दिख रहे थे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बनर्जी का वीडियो बनाते दिखाई दे रहे थे। इस पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने तृणमूल सांसद की आलोचना की। नाराज धनखड़ ने कहा कि यह शर्मनाक, हास्यास्पद और अस्वीकार्य है कि एक सांसद मजाक उड़ा रहा है और दूसरा सांसद उस घटना की वीडियोग्राफी कर रहा है। धनखड़ की इस पूरी घटना की कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि मैं सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी है। आप इस बात से अवगत नहीं है कि लोगों ने मन ही में इस सांसद के खिलाफ किस तरह का ख्याल है। लोगों को गिरते हुए स्तर को देखने का मौका था। उन्होंने सदन में मौजूद पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम से कहा कि आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, कल्पना कीजिए कि मेरे मन में क्या चल रहा होगा यह देख कर कि जब सदन के सभापति का मजाक उड़ाया जा रहा था तो आपके वरिष्ठ नेता इसकी वीडियो बना रहे थे। आखिरी खबर, सपा के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्षी सांसदों के निलंबन मामले पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और पूछा है कि जब सांसदों का निलंबन करना था तो अधिक क्षमता वाली बड़ी संसद क्यों बनवाई। सपा के प्रमुख सोशल मीडिया मंच पर एक्स पर लिखा कि जनता पूछ रही है कि जब सांसदों को निलंबन ही करना था तो फिर अधिक क्षमता वाली बड़ी संसद के नाम पर नई संसद क्यों बनवाई। सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक इसके साथ उन्होंने लिखा कि इससे अच्छा तो भाजपा सरकार पुरानी संसद में ही 2-3 लोगों के लिए नया कमरा बनवा लेती, क्योंकि इस सरकार में ना तो किसी को प्रश्न पूछने दिया जाता है और ना ही कोई चर्चा होती है और जो भी फैसले हो वो कुछ ही लोग करते हैं। यादव ने आगे कहा कि अगर भाजपा सरकार ने जनता के प्रतिनिधियों के इस तरह का व्यवहार कर सकती है तो फिर जनता समझ लेगी अगला नंबर जनता का ही है। गौरतलब है कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में तख्तियां दिखाने और संसद में अवमानना के मामले में अब तक विपक्षी दलों के कुछ 95 सांसदों को सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जा चुका है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।